हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सरेंद्र पांडे फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर आपको पता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, हम उसी को आप प्रोसीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरा वीडियो ये चार से पाँच पाँचवा वीडियो होगा लगे या छठा वीडियो है जिसमें हम उस चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि ताकि आपको अच्छे से एक चैप्टर डिटेल में मिल जाए ताकि आप अच्छे उसको पढ़ सकें, ठीक। मैं सुरेंद्र पांडे, पांडे क्लासेस परिवार से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे यहां 17 तारीख यानी आज 17 जनवरी 2023 से आज एक नया बैच शुरू हो गया है। आप जल्द से जल्द इस बैच में प्रवेश लें और 2024 के लिए क्या करें, इनरोलमेंट करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी क्लासेस अवेलेबल हैं और हमारे पास तीन तीन चार चार टीचर एक एक सब्जेक्ट के हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इतने कम फीस, अफोर्डेबल फीस में आएं और अपनी पूरी तैयारी करें। हम आपके साथ, पूरी कोचिंग परिवार आपके साथ जुटकर आपके लिए मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन IIT नीट में हो सके। तो मैं सुरेंद्र पांडे आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। प्लीज़। ओके ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके चलिए डियर, हमारे चैप्टर की इस सीरीज में जो टॉपिक चल रहा था, एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ क्या कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो नाम उसमें आया था, पिस्टिल नाम आया था। ओके, और फिर उसी पार्ट में हमने कहा था कि कितने पार्ट इसके होते हैं, तो हमें नाम मिला था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला था। और ओवरी बेसल पॉइंट होता है, याद करना, बेसल स्वेलन पार्ट होता है। और उसी बेसल स्वेलन पार्ट में, उसी बेसल स्वेलन पार्ट में क्या होता है, एक खास स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है ओव्यूल। ओव्यूल क्यों खास स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि यही ओव्यूल होता है, इसी के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है, एक नए बीज को, सीड का डेवलपमेंट करता है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने नोट्स बनाया था, तो मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड एज यूटेरस, सॉरी मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, नॉट यूटेरस, मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, गलती से निकल गया। अच्छा, फिर आगे हमने क्या बताया था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे। ओव्यूल में हम लोगों ने फ्यूनिकल देखा था, हाइलम देखा था, हमने न्यूक्लियस बताया था, एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी बताया था, क्योंकि इसी न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाएँ स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और स्पेशल होने के बाद क्या करती हैं, वो स्पेशल होने के बाद ये बदल जाती है किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में। और फिर मैंने आपको बताया था इसी मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है और चार मेगा स्पोर बनता है। और चारों मेगा स्पोर का अरेंजमेंट क्या था, लीनियर अरेंजमेंट था और प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस था। ओके, इतना तो क्लियर होना चाहिए। और याद करना, हमने यूनिक कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी शब्द यूज किया था। मल्टी कार्पेलरी में मैंने बताया दो पार्ट बताया था आपको, एक होता है एपोकार्पस कंडीशन और एक होता है सिंकार्पस कंडीशन। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज मेगा स्पोरोजेनेसिस के आगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, हल्का सा फ्लैश बैक आपको लेके चलेंगे। वो फ्लैश बैक क्या था डियर, कि हमने यहाँ पर ऐसे ओव्यूल बनाया था, ठीक, ये हो गया क्या, फ्यूनिकल हो गया। ओके, ये फ्यूनिकल हो गया, उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर क्या होगा, इंटेगुमेंट होगा। फिगर बनाने का तरीका भी मैंने आपको समझाया था, इंटेगुमेंट होता है। और ये देखिए, ये भी क्या हो गया, इंटेगुमेंट हो गया। किसी किसी में इंटेगुमेंट एक, यूनिटेगमिक किसी में दो, बाईटेगमिक, हमने क्वेश्चन पूछा था एटेगमिक ओव्यूल किस में पाया जाता है आपको बताना था, आपने कमेंट नहीं किया, हमने कमेंट काफ़ी लोगों को देखा था। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटेगुमेंट हमने दो, इसकी संख्या दो होती है। और फिर यहीं पर हमने बताया था कि सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम नाम दिए थे क्या, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था न्यूक्लियस नाम दिया था। ओके डियर, न्यूक्लियस। और फिर यहीं पर हमने बताया था ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, यही कोशिकाओं से ही, इन्हीं कोशिकाओं से हमें उम्मीद होता है कि आगे चलकर ये कुछ खास करने वाले हैं, क्या खास स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, उसी को हमने प्रोसीड किया था। तो मैंने बताया था न्यूक्लियस की तमाम कोशिकाओं में से
कुछ कोशिकाएं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, और इसी स्पेशल कोशिका को, इसी स्पेशल सेल को हमने नाम दिया था मेगा स्पोर, नाम दिया था मेगा स्पोर मदर सेल। नाम क्या दिया था? मेगा स्पोर मदर सेल। ये फ्लैश बैक है, थोड़ा सा फ्लैश बैक पीछे वाली कहानी। और फिर याद रखिए, मैंने कहा था इसी मेगा स्पोर मदर सेल में एक डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था चार मेगा स्पोर बनते हैं। कुल कितने मेगा स्पोर बन जाएंगे? चार मेगा स्पोर बनते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं? फोर मेगा स्पोर। चार मेगा स्पोर का यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन लास्ट वाली कहानी मैंने एक चीज़ और बताई थी, इन चार में से तीन मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर मैंने कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं बता सकता क्योंकि समय लगेगा, इसको मैं ऑफलाइन में आपको कवर कर दूंगा। तीन मेगा स्पोर गेट डीजनरेट, तीन ठो नष्ट हो जाते हैं भैया, यानी ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा एक मेगा स्पोर जो कि कहलाता है क्या? फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाएगा। इसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर का नाम देते हैं। आज की कहानी में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, एक बार इसके आगे आज की कहानी हम लोग चलेंगे। आप लोग कोई दिक्कत होती जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है? और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाइक करना जरूरी है, पसंद करेंगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है? और पांडे क्लासेस परिवार से जुड़ें। ओके डियर, आज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल देते हैं प्रोसेस का नाम। प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा गैमिटोजेनेसिस। कभी कभी इसी को हम लोग इसको फीमेल गैमिटोजेनेसिस का भी नाम दे सकते हैं। फीमेल गैमिटोजेनेसिस का भी नाम हम आपको दे सकते हैं, ठीक? तो ये हमारा हेडिंग है आज का, ठीक? तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग से ही कुछ मतलब निकाल देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर लिखा गया है मेगा गैमीट, चलिए लिख देते हैं क्या? मेगा गैमीट, ओके, ठीक। मेगा गैमीट, एक मिस्टेक छोटा सा हुआ है डियर, मैक्रोगैमीट, प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर गलती थोड़ा सा हुआ है, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग, सूक्ष्म गलती है। माइक्रो का मतलब भी बड़ा होता है, मेगा भी मतलब बड़ा होता है, लेकिन बुक में मैक्रो लिखा गया, ओके? तो यहाँ पर मैक्रोगैमीट नाम क्या आता है? मैक्रोगैमीट। और फिर हमने हर बार बोला है जहाँ पर गैमीटो के बाद ओ आता है, इस ओ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या? ऑफ। और फिर नाम आ गया है क्या? जेनेसिस। क्या नाम आ गया है? जेनेसिस। तो मैक्रोगैमिटोजेनेसिस, तो यहाँ मैंने लिखा मैक्रोगैमीट, ओ फॉर ऑफ जेनेसिस ले लिया। और बेटा ध्यान से सुनना, जेनेसिस का साफ साफ मतलब होता है फॉर्मेशन या डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कैसे है? दरअसल मैक्रोगैमीट को हम लोग फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे गैमीटो नाम आ रहा है तो सीधी बात है ऑफ कर देंगे, और फिर कहानी वही है, वहाँ भी जेनेसिस का नाम आ रहा है, तो यहाँ हम जेनेसिस वर्ड को उतार लेते हैं जिसका मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन। सवाल अगर हम पूछें तो पूरे का एक स्टेटमेंट में हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट में अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो साफ साफ बात है क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोगैमीट अथवा फीमेल गैमीट कहाँ से बनता है आपको ये भी पता होना चाहिए। फ्रॉम अब कहाँ से बनेगा? फ्रॉम मेगा स्पोर, लेकिन याद रहे उस मेगा स्पोर से जो कि क्या होता है? फंक्शनल होता है, जो कि क्या होगा?
फंक्शनल फ्रॉम मेगास्पोर, यानी फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज क्या होगा आपका हेडिंग क्या हेडिंग है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, तो आप इतना लिखें, शॉर्ट इसका लें, ठीक, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अब चलिए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। हाँ, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, अगर ये प्रोसेस है तो इसका कुछ परिणाम होगा ना भैया, ठीक है, अगर ये प्रोसेस है तो इसका कुछ परिणाम होगा ना, कि ये बनाया क्या फाइनली बनाया क्या। तो इस प्रोसेस का परिणाम ये है कि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट। और याद रहे, फीमेल गैमिटोफाइट का यहाँ पे एक और नाम है, हालांकि मेल गैमिटोफाइट का कोई दूसरा नाम नहीं था, मैंने बताया था मेल गैमिटोफाइट, याद करो, पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन में केवल एक न्यूक्लियस रहता है, जब वो एंथोलूप्स निकलता भैया, तब उसको हमने पॉलन ग्रेन नाम दिया था। लेकिन वही पॉलन ग्रेन में जब दो मेल गैमिट बन गया था, ऑफ द प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस कॉल्ड एज मेल गैमिटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, तब हमने कहा था कि अब आप पॉलन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट बोल सकते हो, जब उसके अंदर दो गैमिट रहता है। शुरुआत में नहीं बोल सकते जब उसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक। यहाँ भी अब क्या होने वाला है, फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा, यानी एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें फीमेल गैमिट रहेगा, लेकिन एक और अच्छा प्यारा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अथवा करके है, उसका नाम है इम्ब्रियो शैक। याद रखना, इम्ब्रियो शैक बोल रहा हूँ, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है भ्रूण पोष, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, भ्रूण कोष, थोड़ा सा हिंदी में कंफर्ट नहीं है, लेकिन कोई नहीं, गलती हुई है, बताते क्या नाम होगा, भ्रूण कोष नाम होगा। और इसके पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया था मेगा गैमिटोजेनेसिस, वो गलत रहेगा, यहाँ पर सही नहीं है, आप लिखिए माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। और यहाँ पर क्या है, भ्रूण कोष होगा, न कि भ्रूण पोष, क्योंकि भ्रूण पोष का अंग्रेजी इंडोस्पर्म होता है। ओके डियर, तो ये कहानी हो गई है, तो अभी हमें इसमें प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक। ओके डियर, चलिए, तो यहाँ पर ये रहा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ओके, तो ये न्यूक्लियस का पार्ट हो जाएगा, ये देखिए न्यूक्लियस का पार्ट। देन यहाँ पर हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर में आपको डिवाइड किया था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेंटेन करके बनाना पड़ेगा आपको, ये स्ट्रक्चर हम पहले फिर से एक बार ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना अति आवश्यक है। ये देखिए ऐसे बनाइए, ठीक। अगर आपको बायोटेक्मिक बनाना है, मतलब दो इंटेगूमेंट वाला ओव्यूल बनाना है, बायोटेक्मिक ओव्यूल बनाना है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, ये देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, ये देखिए ऐसे। और देन हमने कहा था स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, तो ये ऐसे मिला दीजिए इस पर, और इसको ऐसे ला दीजिए नीचे, ठीक। हम इसको फिर से लेबलिंग नहीं करेंगे, आप समझदार हो, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें इसमें आपको बता रखी है, बार बार हम चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया जा सकता, ठीक। ये देखिए, ठीक। चलिए, अब तक एक बात और याद रखना, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग चैलेजल इंड बोलेंगे, कौन सा इंड बोलेंगे, चैलेजल इंड बोलेंगे, और जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम लोग माइक्रोपाइलर, कौन सा इंड, माइक्रोपाइलर इंड का नाम देते हैं। कभी कभी शॉर्ट में इसको किसी किसी बुक में लिख देता है एम इंड, और इसको क्या बोल देता है भैया, सी इंड बोलता है, क्या, सी इंड, मतलब चैलेजा की ओर का साइड। अच्छा, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि चार मेगास्पोर बनते हैं, उस चार मेगास्पोर में से क्या होता है, तीन डिजनरेट होते हैं, एक ही बचता है। तो चलिए हम कहानी एक से ही शुरू करेंगे भाई, क्योंकि एक ही बचेगा। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, यहाँ पर हर जगह क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर
हर जगह क्या होगा, न्यूसलेस होगा, और इसी न्यूसलेस में, इसी न्यूसलेस में तीन चार मेगा स्पोर थे जिसमें तीन नष्ट हो चुके हैं, तीन नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अब याद रखिएगा यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, याद रखना ये कोई और नहीं एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। अगर आपको फंक्शनल मेगा स्पोर इसको मानना है तो इसका तरीका एक और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इस साइड तीन मेगा स्पोर दिखा रहा हूँ कि जो नष्ट हो रहे हैं, थ्री डीजनरेटिव मेगा स्पोर दिखा दे रहा हूँ जो कि क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। चलिए अब इस मेगा स्पोर के अंदर याद रखना, यहाँ पर इसको मेगा स्पोर मदर सेल मत समझना, इसीलिए मैं तीन डीजनरेटिव मेगा स्पोर दिखा दे रहा हूँ, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है। हम क्या करते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर को यहाँ पर ऐसे बाहर ले लिए हैं, ठीक, और इसमें दिखा देते हैं आपको एक न्यूक्लियस और लिख भी देते हैं। चलो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर, क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो जाता है, ठीक। अब देखिए अब इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था फीमेल गैमीट बनेगा कहाँ से, मेगा स्पोर से। जब मेगा स्पोर से क्या बने, फीमेल गैमीट बनेगा, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर होता है माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, पहली बार समसूत्री विभाजन होगा, फर्स्ट माइटोसिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट माइटोसिस, ठीक। और फर्स्ट माइटोसिस के बाद पहली बार जब माइटोसिस होगा तो यहाँ पर उसी मेगा स्पोर के अंदर दो न्यूक्लियस बनेंगे ना, और एक एक किधर चला जाएगा, एक चला जाएगा चलजल एंड की ओर, और एक आ जाएगा कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर आ जाएगा, दो न्यूक्लियस। चलिए अब अभी कहानी रुकेगी नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड माइटोसिस, दूसरी बार माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आपको पता होना चाहिए एक बार माइटोसिस के बाद दो न्यूक्लियस बनता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है तो दो सेल बन जाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो केवल खास करके क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूँ खास करके यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस क्लास 11th में बताया गया है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर सेकंड माइटोसिस जब होगा तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं डियर, सेकंड माइटोसिस में फिर यहाँ पर उसी मेगा स्पोर के अंदर, उसी मेगा स्पोर के अंदर जब एक से दो बनेगा, दो से कितने हो जाएंगे, चार, तो दो मेगा स्पोर इधर बन, दो न्यूक्लियस इधर बन गए, दो न्यूक्लियस इधर बन गए। याद रखना ये चैलजल इंड है और ये कौन सा इंड है, माइक्रोपाइलर इंड। अभी कहानी रुकने वाली नहीं है, फिर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड माइटोसिस लीजिए, यहाँ पर फिर क्या होगा, तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा, और जब तीसरी बार समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पर अब कहानी मोड़ ले लेगा। कहानी कैसे मोड़ लेगा, वही मेगा स्पोर है। अच्छा एक बात ध्यान सुनिएगा डियर, यहाँ पर देखो मैंने रेड सेल बनाया है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये वही मेगा स्पोर है जब इतना बड़ा हो चुका है, ठीक। लेकिन इस समय इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोपाइलर और चैलजल इंड की ओर, माइक्रोपाइलर इंड और चैलजल इंड की ओर, चैलजल छोर की ओर क्या बन गया है, चार चार न्यूक्लियस। देखिए चैलजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड चार चार न्यूक्लियस बन चुका है, ओके। एक बार देख लें इसको, समझें, फिर हम आपको बता देते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर मेगा स्पोर में एक बार माइटोसिस हुआ तो यहाँ दो न्यूक्लियस बना, दूसरी बार हुआ तो चार बन गए, तीसरी बार हुआ तो वही आठ बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है, क्या उधर मैं ज़्यादा नहीं जा सकता, इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है खास करके उसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, जो यहाँ पे आठ केंद्रक बने हैं उनका अरेंजमेंट करना है। तो हम फिगर को नीचे ला रहे हैं, अगला स्टेप हम नीचे ला रहे हैं, आपको स्टेप दिखा दें, सपोज करिए इसको यहाँ न लिख कर, ठीक, सी इंड फिगर दिखा देते हैं। ये स्टेज ए,
स्टेज बी, स्टेज सी, इसको भाई चैलेंजल एंड समझना प्लीज, चैलेंजल एंड, उसके बाद स्टेज डी, और आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर स्टेज ई। स्टेज ई में क्या होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा। स्टेज ई में क्या होगा, स्टेज ई में क्या होता है, दरअसल यहाँ पर अब मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर यहाँ था वही मेगा स्पोर काफ़ी बड़ा हो चुका है। अरेंजमेंट मैंने वहाँ लिखा है, इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है, दरअसल चार में से, चार चैलेंजल एंड वाले न्यूक्लियस में से तीन, चार चैलेंजल एंड वाले न्यूक्लियस में से तीन न्यूक्लियस चैलेंजल एंड की ओर अपना अपना पर्सनल सेल मेम्ब्रेन बना लिए। ये देखिए अपना अपना पर्सनल क्या बना लिए, सेल मेम्ब्रेन बना लिए, और एक को ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पर, बीच में, एक जो बचा था वो कहाँ गया, बीच में आ गया। उसी तरीके से ये देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड है, याद करना ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, जिधर माइक्रोपाइल याद है आपको, इस फिगर यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ कहानी बननी चाहिए, यहाँ पर जो कहानी बनती है वो ये है कि यहाँ भी चार में से तीन न्यूक्लियस अपना अपना पर्सनल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और एक न्यूक्लियस को क्या करते हैं, बीच में ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसकी खूबसूरती देखिएगा, इसकी अच्छाई क्या है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक ख़ास प्रकार का सेल बन गया, ठीक। और उसके बगल बगल, इसके अगल बगल भी कोशिका बन जाती हैं, ये भी खास कोशिका, इनकी भी कुछ नाम है, इनकी भी एक पहचान है, बताएंगे, ये देखिए, ठीक। इस प्रकार से अगर हम लेबलिंग करना चाहें तो क्या क्या बना, क्या क्या बना, तो देखिए भैया यहाँ ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ये तीनों मिलकर बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एंटीपोडल सेल्स। कितने होते हैं, तीन, थ्री एंटीपोडल सेल। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बीच में, यहाँ पर एक, ये दोनों लोग भी अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल। इनकी संख्या कितनी है, सेकेंडरी सेल की संख्या एक ही है, लेकिन याद रखना ये कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, द्वि केंद्र की होते हैं, इसमें दो केंद्रक होता है। अब यहाँ की कहानी शुरू करते हैं भैया, यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको यहाँ मिल जाएगा एक सेल जिसका नाम है सिनर्जिड सेल, ठीक। सिनर्जिड सेल कौन है, ये वाली कोशिका और ये ब्लू, ये जो दो ब्लू कलर की हमने कोशिका दिखाई डियर, ये ब्लू कलर की जो कोशिका है ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, सिनर्जिड सेल है, ठीक। इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा है, ज़रूर आगे बताऊंगा क्या रोल है। ये ब्लू वाला सेल जो है ये सिनर्जिड सेल है, देखिए ये कौन हो गया, सिनर्जिड सेल हो गया। अब सबसे खास स्ट्रक्चर जिसको हम लोग देखना चाहेंगे वो ये स्ट्रक्चर है, देखिए रेड वाला, रेड कलर का जो सेल है मैंने यहाँ पर दिखाया, रेड कलर का जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं हम लोग एग सेल नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, एग सेल। हालांकि सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी होती है, दो, और एग की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक। हाँ, और हाँ एक बात याद रखना, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, मैं फिगर पे ही ध्यान दिया हूँ इसलिए प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा। ये कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है। सिनर्जिड सेल दो होते हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें भी केंद्रकों की संख्या एक एक होती है। एक सेल जो होता है ये भी कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी केंद्रक की संख्या एक ही होती है। लेकिन एक मज़ेदार कहानी ये है, सिनर्जिड सेल और एग सेल, किसको, सिनर्जिड सेल और एग सेल को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम होता है एग अपैरेटस, नाम होता है इसका एग अपैरेटस नाम इसको देते हैं, ठीक है, एग अपैरेटस नाम देते हैं। और एक और बात आपको बता दें, अगर हम इसको यानी एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी सेल,
और सिनर्जिड सेल इनको सबको मिला दें, यानी कि एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी सेल और किसको एग सेल, तीनों को मिला दें, तो यहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होता है EMBRYO एम्ब्रियो शैक। नाम क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो शैक नाम हो जाएगा, या इसी को आप लोग अब याद करिए एम्ब्रियो शैक, या इसी को हमने बोला था। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि भैया लास्ट में बनता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एम्ब्रियो शैक होता है, इसका निर्माण होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट। क्या नाम देंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार हल्का सा फिर से एक छोटी सी ग्लिम्स आपको देते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है, इसमें माइटोसिस हुआ यानी कैरोकिनेसिस हुआ, दो केंद्रक बना, सेकंड माइटोसिस हुआ तो दो से चार बन गए। लेकिन याद रखना दोनों न्यूक्लियस बनेंगे तो एक एक चैलेंजल एंड की ओर एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर आ जाएगा, ठीक। दो से फिर यहाँ पर चार चार हो गए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा अरेंजमेंट होगा, क्या होगा? अरेंजमेंट होगा ऑफ न्यूक्लियाई। इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ कि इधर चैलेंजल एंड के चार न्यूक्लियस में तीन न्यूक्लियस मिलकर एंटीपोडल सेल बनाते हैं, एक को बीच में भेज देते हैं, और यहाँ पर चार में से तीन लोग मिलकर एग अपरेटस बनाते हैं जिसमें से दो सिनर्जिड सेल होता है और एक एग सेल होता है, और यही एग सेल क्या होता है, दरअसल फीमेल गैमीट होगा। और फिर क्या हुआ, इसका भी चार में से एक यहाँ बीच में आ गया, दोनों मिलकर सेकेंडरी सेल बना देते हैं, अभी बन गया यहाँ पर एम्ब्रियो शैक। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा मैं इस मैटर को इरेज करता हूँ प्लीज़। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एम्ब्रियो शैक बना है उसकी कुछ खासियत है, तो आप बोलना हाँ कि जो एम्ब्रियो शैक बना है उसमें कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और लेकिन इसमें केंद्रकों की संख्या 8 ही होती है, यानी कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। गिन देता हूँ कैसे, 3 सेल यहाँ पर है, 1 सेल ये, 3 एक 4 और 1 4 2 6 6 एक 7, तो 7 कोश क्या होंगे, न्यूक्लियस गिन लो, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 2 5 1 6 1 7 और 1 8। इस प्रकार से आपके पास एम्ब्रियो शैक बन जाता है जो 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शैक बन जाता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। आप मुझे कमेंट करिए, हम नहीं बताएंगे कि 7 कोश की और 8 केंद्र की एम्ब्रियो शैक का नाम क्या होता है, ये आपका कमेंट हम देखना चाहेंगे। देखते हैं कौन कौन वीडियो को देख रहा है, ठीक। चलिए आप ढूंढिएगा 7 सेल्ड और 8 इंक्लूडेड एम्ब्रियो शैक का और क्या नाम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बशर्ते एक चीज़ यहाँ पर हमें फिगर, इसको हम इरेज करेंगे, एक फाइनल फिगर आपको देते हैं जो कि आपको मिलना भी चाहिए, आपका हक है, ठीक। ऑल राइट, फिगर क्लियर है, सब अच्छा है। चलिए डियर, अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बाहर था इसको अंदर करें ना, बोलिए ये तो बाहर पूरा मैट, जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है उसको हम बाहर दिखा रहे हैं, तो चलो इसको हम फिट करते हैं कहाँ, ओव्यूल के अंदर। थोड़ा समय लगेगा ओव्यूल के अंदर, एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, कहीं भी रोककर स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इस फिगर को हम लोग सेट करने वाले हैं किस में, ओव्यूल के अंदर, क्योंकि भैया ये तो हमने आपको फिगर समझाने के लिए बाहर कर दिया था, लेकिन ये कहाँ पर होता है सारा कार्यक्रम, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक। ओके डियर, आइए क्लियर कर लेते हैं। यानी कि जब इसमें फीमेल गैमेटोजेनेसिस होगा तो कार्यक्रम क्या होगा, कार्यक्रम सेट कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा हल्का सा वीडियो, हल्का सा ये इमेज हमें थोड़ा सा नीचे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग वही एम्ब्रियो शैक बना, न्यूक्लियस वाला पार्ट बना लेते हैं, ठीक, न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक। और याद रखिएगा, क्या याद रखना है यहाँ पर, सब एक इम्पॉर्टेंट टर्म देने जा रहा हूँ,
एक इम्पॉर्टेंट टर्म नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, वही देने जा रहा हूँ, तो आप स्किप मत करिएगा। दो मिनट सुन लेने में आपका कोई खराबी नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान हम होने नहीं देंगे, ठीक। स्टूडेंट्स प्लीज़, आप लोग बड़ी कोचिंगों के चक्कर में एकदम मत पड़े, ये दुनिया भर के 135,000 140,000 रुपये देने के चक्कर में दूर जाएंगे, शहर से बहुत दूर जाएंगे, वहाँ भी आपका इतना पैसा खर्च होगा, 2.5 से 3 लाख रुपये पर एनम पर ईयर, क्या मतलब निकलेगा। आइए, हमारे यहाँ अफोर्डेबल फीस है, बहुत कम फीस है, 32 से 35 हज़ार रुपये फीस है, ठीक। हाँ, इसको आप 2 से 3 बार में दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, आराम से आप फीस भरिए, आपको मौका मिलेगा, आराम आराम से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। सीखने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, सिलेक्शन का तो बेजोड़ स्थान है, आप ज़रूर आए यहाँ पर, ठीक। चलिए, थोड़ा सा फिगर मेंटेन करते हैं, ओव्यूल का फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमें, ये देखिए। फिगर मेंटेन करते हैं डियर, बहुत ज़रूरी है, फिगर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको फाइनली समझ में आए कि हाँ, हमने अब तक अपना लेक्चर कहाँ तक पूरा किया है और हमें फाइनली क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये इंटीग्रूमेंट हो गया, अगर आपको इंटीग्रूमेंट एक और बनाना है, चूँकि बायोटेक्निक इंटीग्रूमेंट ओव्यूल बनाना है, बायोटेक्निक ओव्यूल बनाना है, तो ये देखिए बायोटेक्निक ओव्यूल बनाना है, ये देखिए, ये हो गया क्या, बायोटेक्निक ओव्यूल बनाना है, तो बायोटेक्निक ओव्यूल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेंटेन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, सॉरी थोड़ा शेप देना पड़ेगा, ऐसे नहीं खींचा जाता लाइन, हमें शेप देना पड़ेगा, अगर शेप नहीं बना, हाँ गुड, फाइन फाइन, ये बन गया क्या, ओव्यूल का एक प्यारा सा शेप बन गया आपके सामने। जैसे मैं फिगर ड्रा करता हूँ, आप मेरी कॉपी करें, और एक बात है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला वैसे बायोलॉजी का फिगर फार्मूला होता है, अगर आपको बायोलॉजी में फिगर नहीं याद है तो सुनिए, नीट आप नहीं निकाल पाएंगे, इट्स चैलेंज, आप बिना फिगर याद किए नीट आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक। तो आप लिए इसके लिए तो एकदम बेफिक्र होकर भैया पहले तो फिगर ड्रॉ करना सीख लीजिए अच्छे से। चलिए, अगर इसी ओव्यूल में क्या होता है, ये हेडिंग मैक्रो गैमेटोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता है तो इसका हाल क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, किसके बाद फीमेल गैमिटोजेनेसिस होने के बाद, फीमेल गैमिटोजेनेसिस होने के बाद या मैक्रोगैमिटोजेनेसिस होने के बाद इस ओव्यूल में क्या बदलाव आ जाएगा, बाई स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, मैंने आपको साफ साफ बताया है, यही ओव्यूल मेगास्पोर जो कि फंक्शनल मेगास्पोर होता है, सनल मेगा स्पोर होता है, इसी में सब कार्यक्रम आपने देखा था, धीरे धीरे यही बड़ा हुआ था कि नहीं, आठ केंद्र की अवस्था इसमें आया था ना, यही धीरे बड़ा हुआ था ना, तो वही देखो कैसे बड़ा हो रहा है, ध्यान देखिए। जब आप सोचो, जब इसमें कोई सेल धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, तो ये न्यूसलस वाली एरिया को कवर करेगा ना, ये क्या करेगा, न्यूसलस वाली एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, ये न्यूसलस की एरिया को धीरे धीरे क्या करेगा भैया, अच्छी तरीके से कवर कर लेगा। ये देखिए, न्यूसलस वाली एरिया को कवर कर रहा है। नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, आप देख के आप हैरान हो जाएंगे, आप एनसीईआरटी देखिएगा, नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर होता है, क्या क्वेश्चन है मैं बताऊँगा, पहले देखिए, ये देखिए, धीरे धीरे मेगा स्पोर यहाँ पर बढ़ते बढ़ते न्यूसलस को लगभग ख़त्म ही कर देता है। यहाँ पर क्या किया इसने, इसने न्यूसलस को लगभग ख़त्म ही कर दिया, मैं बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या, न्यूसलस अक्सर क्या होता है, ये देखिए ब्लू पार्ट हल्का दिख रहा नहीं आपको, देखिए दिख रहा है ना, ओ सॉरी, एक मिनट प्लीज़, इलेक्ट्रिक रोस्ट हुआ है भाई, एक मिनट प्लीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ सकते हो, लाइट कट सकती है,
ठीक ओके। मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर न्यूसलस का कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ होता है, लेकिन ढेर सारे ओव्यूल में ज़्यादातर क्या होता है, ये वाला पार्ट भी न्यूसलस का एकदम से ख़त्म हो जाता है। जो हल्का हल्का ब्लू पार्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये न्यूसलस का पार्ट है ना, लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, ये क्या है, रिमेन ऑफ, रिमेन मतलब बचा हुआ, किसका, रिमेन ऑफ न्यूसलस, ये न्यूसलस का बचा हुआ पार्ट होता है। क्यों मैंने बार बार आपको जोर दिया इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कंडीशन या दिस रिमेन पार्ट ऑफ द न्यूसलस कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। इसको हम लोग पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। जब जब क्या हो, ऐसे बोलिएगा, जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए उसके बावजूद भी न्यूसलस का कुछ पार्ट बचा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म का नाम देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते रास्ते में आपसे कोई भी पूछ सकता है जो बायोलॉजी का थोड़ा भी जानकार होगा तो। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखो भैया, यहाँ पर सेट कर दीजिए एंटीपोडल सेल, कर दिया जी सेट। ठीक, यहाँ पर सेट कर दीजिए क्या, वही बाइन्यूक्लिएटेड सेकेंडरी सेल, ओके सेकेंडरी सेल कर दिया एडजस्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ ऑप्शन, कुछ ऑप्शन में सिनर्जिड सेल नाम आता है और एग सेल नाम आता है। तो लीजिए, हमने बना दिया एग सेल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एग सेल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ ब्लू कलर की सेल हमने दिखा दिया, जिसको हम लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं। एक और ख़ास बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या यही है ख़ास बात, क्या कि यहाँ पर हो गया, फिर से मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, एंटीपोडल सेल हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी सेल हो गया, यहाँ पर एग सेल हो गया, यहाँ पर सिनर्जिड सेल हो गया, क्लियर है, और सबको मिलाकर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। याद करिए, चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बताया था, इस चैप्टर से हमें एक पौधा चाहिए, वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना चाहिए। उसके लिए एक शर्त थी, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होना चाहिए। मेल गैमेटोफाइट में हमने दो मेल गैमीट बना लिया था, यहाँ पर हमने फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट, जिसको एग सेल बोलते हैं, बना लिया है। और अगर मैं कह दूँ कि ये हेडिंग पूरा हुआ तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा हो गया है। एक खास बात मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा हमें यहाँ दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं बताया गया। डियर, यहाँ सिनर्जिड कोशिकाओं के आसपास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिली फॉर्म अपैरेटस नाम देते हैं। ये क्या होता है, दरअसल ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसकी सहायता से पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगा। पूछा जाएगा फिली फॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, आप बोलेंगे इसी की सहायता से पॉलन ट्यूब एंट्री मारता है। ओके, तो ये रहा आज का लेक्चर हमने पूरा कर दिया है विथ प्रॉपर फिगर, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। आप प्लीज़ अपने एनसीईआरटी को पढ़ो, क्वेश्चन को हिट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। याद रखना, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं, तो देन यू आर गोइंग टू से 7 celled or 8 nucleated। अब इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए दो चीज़, उधर मेल गैमेट तैयार है, इधर फीमेल गैमेट तैयार है, तो पहले पॉलिनेशन करा लेते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे क्या आगे बढ़ता है। एक बार इसको देख ले, ठीक है, प्लीज। डियर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पांडे क्लासेस परिवार की तरफ से प्रयागराज में हम आपका स्वागत करते हैं। हम एक आपको कोड बताते हैं, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं ऑफिस में बताते हैं, तो आपका कुछ न कुछ फीस हमारे नाते ज़रूर छोड़ा जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पांडे क्लासेस परिवार से मैं आपको ये बोल देता हूँ, ठीक, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और एक कोड मैं आपको बताता हूँ, अगर उस कोड का यूज आप करते हैं, तो हम आपका कुछ न कुछ फीस ज़रूर कम करवाएंगे, कुछ न कुछ फीस में आपकी कुछ परसेंटेज ज़रूर छूट होगी।
अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो मैं कोड आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे तभी आपको मिलेगा इसका फ़ायदा। अगर नहीं मिलता है तो आप ज़रूर बताएं, हम हैं ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोड होगा SHAI 2310 2310। अगर आप यही कोड लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि हमें नीट के लिए क्या करना है, कोचिंग करना है, तो आपको मैं कुल फीस में से कुछ न कुछ जितना हो सकता है कुछ परसेंटेज ज़रूर मैं छुड़वाऊँगा, ऐसे मैं नहीं बोल सकता कितना, लेकिन ज़रूर आपको फ़ीस में छूट मिल जाएगी। कोड याद रखिएगा SHAI 2310 ठीक, और मेरा नाम शैलेंद्र पांडे, हमने आपको हर बार बताया है। ओके, थैंक यू फॉर दिस, कम विद दिस कोड एंड टेक